इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च तक राजस्थान में लॉकडाउन किया गया, ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार, दूसरी तरफ सरकार गंभीर, ये बड़ा फैसला लिया गया। 31 मार्च तक राजस्थान में लॉकडाउन किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी जगहों पर दुकानें, अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ये जानकारी कुछ देर में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। ये कहा जा रहा है इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 31 मार्च तक राजस्थान में लॉकडाउन किया गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी जगहों पर दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गहलोत द्वारा ली गई बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में मौजूद और उसी बैठक से यह फैसला निकलकर सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत बड़ा फैसला है, 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया, और क्या कुछ हुआ जरा बताएं। राजस्थान में कोरोना वायरस की बढ़ती दस्तक के बाद में गहलोत सरकार का अब तक का सबसे कठिन और सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान में 31 मार्च तक के लिए पूरा राजस्थान जो है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि अभी हाई लेवल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान तीसरी स्टेज की तरफ जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, उस दौरान में सबसे बड़ा फैसला करने की जरूरत थी, क्योंकि अब हालात बहुत विकट हो सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हालात इस तरह के हो सकते हैं कि अब ये हर जिले तक फैल सकता है। इसी को देखते हुए अब ये फैसला, बड़ा फैसला बैठक से निकल के सामने आ रहा है। कुछ ही देर पहले उच्च स्तरीय बैठक जो है वो खत्म हुई है, जिसके अंदर जो फैसला लिया गया उसमें 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके अंदर अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी अधिकृत इसके आदेश जो है वो नहीं निकले हैं, आदेश जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से निकलेंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके अंदर तमाम सार्वजनिक वाहन है वो बंद कर दिए गए हैं, तमाम अस्पताल। बिल्कुल विकास, बहुत बड़ा फैसला, लेकिन कहा जा रहा है कि आवश्यक चीजों को छोड़कर, आवश्यक जगहों को छोड़कर बाकी हर जगह पर बंदी देखने को मिलेगी। क्या कुछ वो जगह है जहाँ पर लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई देगा, मैं चाहूंगी वो भी आप बताएं। देखिए अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, अधिकृत जानकारी अभी कुछ ही देर में सरकार की तरफ से पूरी डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जानकारी मिल रही है उसमें कुछ पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं, जहां जो पेट्रोल पंप खुले रहेंगे उनके अलावा आवश्यक जो चीजें हैं, जैसे कि खाने पीने की जो चीजें हैं, दुकानें हैं, वो उनको छूट रहेगी, वो भी एक लिमिटेड दायरे के अंदर, क्योंकि वहां पर भी 5000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इस तरह का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो सरकारी दफ्तर है उनके लिए भी फैसला, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि सरकारी दफ्तर है वो भी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं उनको लेकर के कुछ अलग से फैसला हो सकता है कि उनकी रेवेन्यू पे कोई असर नहीं आया, उसको लेकर के कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। उसके साथ ही जो अब तक का जो फैसला था उसमें चलिए शुक्रिया विकास आपका, लगातार नजर बनाए रखे, थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब तक का बहुत बड़ा फैसला है, लगातार कोरोना वायरस का असर और उसके बीच गहलोत सरकार गंभीर और फिर ये बड़ा फैसला।